ये गरीबी कहाँ। कृष्ण के दर विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, यही सोच कर मैं आस लेके आया। कृष्ण और सुदामा दोनों ही बाल सखा है, मैं और चिंटू भाई हैं जैसे, क्योंकि कृष्ण अवतार थे कंस का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका की स्थापना की। सुदामा ब्राह्मण थे, तो सुदामा ब्राह्मण थे इसलिए सुदामा वहीं रह गए और गांव में फेरी फिरते, जो भी गांव में उनको राशन पानी मिलता इसके लिए वो निकलते हमेशा, जो भी मिलता उससे अपना गुजारा करते, मन में कोई अपेक्षा नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। एक दिन एक बड़ी विचित्र घटना हुई, आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना, शायद ये कभी कोई सुना है ना सुना है। सुदामा हमेशा अपनी रूटीन दिनचर्या के अनुसार जब गांव में निकले तो रस्ते में एक लाल रंग की एक कपड़े की पोटली पड़ी और सुदामा ने उस पोटली को देखा। सुदामा ने सोचा कि ये मार्ग में रस्ते में पड़ी, मैं अपने पास रख लूंगा, कोई मांगेगा तो दे दूंगा। पूरे गांव में घूमे पर उनको कहीं से भी उस दिन कोई कारण से कुछ मिला नहीं। मन में थोड़ा विचार आया कि शायद भूखा रहना पड़ेगा शाम को, लेकिन एक उम्मीद थी कि गांव के जो सबसे बड़े नगर सेठ है उनके घर जाऊंगा तो वो खाली नहीं भेजेंगे, वहां से कुछ तो मिल जाएगा। सुदामा पूरे गांव में घूमते घूमते नगर सेठ के घर गए तो आगे जाके देखा तो सेठ और सेठानी दोनों बैठे आंगन में, दोनों ही रो रहे। बाहर से देखा कि दोनों रो रहे हैं तो रोते हुए से तो क्या मांगे, फिर भी सुदामा बाहर खड़े रहे और हिम्मत करके सेठ जी को पूछ लिया, बोले सेठ जी आप दोनों रो रहे हो, दोनों में से एक रोए तो समझ में आए, लेकिन आप दोनों ही रो रहे हो, इसका क्या कारण है। सेठ जी ने रोते हुए कहा कि सुदामा हमने जीवन में जो कुछ भी कमाया था, जो कुछ भी हमारी पूंजी थी वो सब चोरी हो गई और हमारा सारा धन लुट गया, हम कंगाल हो गए। सुदामा ने अपनी झोली में से वो लाल रंग की पोटली जो थी वो निकाली और सेठ जी के सामने कर दी, बोले सेठ जी यदि ये आपकी है तो मुझे रास्ते में मिली आप ले लो। भक्तजनों वो पोटली जब सुदामा ने झोली में से निकाली, सेठ जी की नजर जैसे ही पड़ी झपट के ले ली, बोले सुदामा तुमको कहां से मिली, बोले सेठ जी मेरी नहीं है, मुझे मिली, आपकी है तो आप ले लो। और सारा सेठ जी का धन जो था उस पोटली में था। सुदामा की उस ईमानदारी पर सेठ जी इतने अंदर से प्रभावित हो गए कि उनकी सबसे बड़ी जो बेटी थी उस बेटी का विवाह सुदामा के साथ कर लिया, उसका नाम सुशीला था। विवाह के उपरांत थोड़ा सा कम समय के साथ में सुदामा के बालक बच्चे हो गए, बाल गोपाल हो गए, परिवार बढ़ गया, हम दो हमारे दो ऐसा करके परिवार, गांव सीमित था, बस्ती सीमित है, मिलना उतना ही है, अब एक के लिए इतना ही है और चार लोगों के लिए उतना है। तो सुदामा अपने परिवार के साथ बांट बांट के खाते, कुछ खुद कम खाते, खुद पत्नी को कम खिलाते, बच्चों का पेट भरण करते, लेकिन धीरे 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 सुदामा की गरीबी बढ़ते 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 बिल्कुल गरीब हो गया, एक समय का भी भोजन नसीब नहीं हुआ। सुदामा की पत्नी एक दिन सुदामा को कहने लगी कि आप कहते हो कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, जब इस पूरी दुनिया के भगवान तुम्हारे मित्र हैं तो तुम क्यों भूखे मर रहे हो,
हमको क्यों भूखा रख रहे हो और उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है। कभी जाओ अपने मित्र से कुछ मदद ले आओ, अपने मित्र से कुछ मांग लो। सुदामा स्वाभिमानी थे, बोले मैं नहीं जाऊंगा। वो राजा है वो उसका जीवन है, मैं गरीब हूं ये मेरा जीवन है। हमारी मित्रता के बीच में ये मांगने वाला कभी था नहीं, मैं नहीं मांगता। परंतु एक समय ऐसा आया कि पूरा परिवार बहुत लंबे समय तक भूखा रह गया, बच्चे बीमार हो गए और बहुत मुश्किल हो गई। तो एक दिन सुदामा को लगा कि शायद मैं अब मैं जाऊं, मेरे लिए नहीं, पत्नी के लिए नहीं, लेकिन इन बालक बच्चों के लिए कुछ उपाय करूं। सुदामा की पत्नी पड़ोस में गई, चावल उधार मांग के लाई, बोले खाली हाथ कैसे जाओगे, कुछ तो ले जाओ। तो सुदामा गए द्वारिका के महल के आगे, जब पहुंचे तो पहरेदार ने सुदामा के मैले कपड़े देखकर दुत्कार दिया, बोले ए कहां जा रहा। तो सुदामा कृष्ण के दर फरियाद लेके आया हूं, मेरे बचपन का यार है शाह, यही आस लेके आया। क्या बोले, ए द्वार पालो कन्हैया से कह दो, ए द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। हाँ। सुदामा करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को। द्वारपाल ने जब सुदामा को उसकी गरीबी देखकर, बोले तू पागल है, ये द्वारिका के राजा है, सामान्य नहीं है। और हजारों फरियादी दिन भर यहां पैरे लगा के खड़े रहते हैं, ठाकुर जी मिलते नहीं किसी को, और तू जा। सुदामा सुबह से शाम तक खड़े रहे लेकिन अपना नाम नहीं बताया, बस यही कहते कि मुझे उससे मिलना है। शाम का वक्त हुआ, सुदामा के लोगों को रात बाहर बितानी पड़ेगी, तो सुदामा ने पहरेदार के कान में कहा कि तू अपने ठाकुर को जाके कह देना कि सुदामा नाम का आदमी बाहर खड़ा है, फिर वो मिले ना मिले वो अशोक जी की मर्जी या वो प्रकाश माली की मर्जी है, ये मुझे फोन कर रहे थे बहुत दिनों से, मैं क्षमा चाहता हूं।
बस एक चाय पीने आ जाओ, और कुछ नहीं कहा, चाय पीने आज मैं आया नहीं, मैं था नहीं इधर। वो मिले ना मिले वो उसकी मर्जी है, लेकिन तुम पहरेदार हो, अपने राजा से अपने ठाकुर से जाकर कह दो कि सुदामा नाम का व्यक्ति बाहर खड़ा है, ना मिले वो उसकी मर्जी, लेकिन बोल तो दो। तुम एक बार मोहन से जाकर यू कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर यू कह दो, मिलने सखा बद नसीब अगला रुक्मणी जी, भगवान आराम कर रहे हैं, रुक्मणी जी पैर दबा रहे हैं। पहरेदार ने अनुमति ली, प्रभु सुदामा नाम का एक आदमी बाहर खड़ा है, सुबह से आपसे जिद कर रहा है, बताओ क्या करना है। भगवान तो उसी समय सुदामा का नाम सुनते ही, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ताली बजाओ, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया, द्वार पालो कन्हैया से कह दो, द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आगला है। अब भगवान तो सुदामा कैसे लिपट गए और बड़े प्रेम से आदर पूर्वक महल में आकर और अपने ही आसन पर सिंहासन पर बिठा दिया, पांव दबा रहे, अपने आंसुओं से सुदामा के चरण पखार रहे। रुक्मणी जी बड़े विचारों में पड़ गई कि आखिर में ऐसा कौन है जिसकी वैल्यू इतनी है, मुझे तो कभी ठीक से बोले ही नहीं और इसको सिंहासन पर और बिठा दिया, इतना गंदा सा मैला कुचेला कपड़े ही नहीं, और ये है क्या। कुछ समय सुदामा रहे, भगवान ने नए वस्त्र भी पहनाए, सेवा भी की, भोजन भी किया। एक दिन सुदामा ने कहा कि कान्हा अब मुझे जाना पड़ेगा, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुदामा वो जो पोटली है वो कंधे पर लटकाए हुए 24 घंटे रखते, किसी को नहीं दिखाते, लेकिन ठाकुर जी तो गटगट के वासी, उनको पता था, लेकिन उन्होंने इंतजार किया कि आखिर में मित्र आया है तो मित्र छुपाता कितना है, तो दोस्ती क्या है। सुदामा ने अनुमति ली और कहा कि मुझे जाना है। भगवान ने कहा कि सुदामा तुम्हारे कंधे पे बहुत समय से पोटली है, इसमें क्या है। सुदामा ने अपनी गरीबी को उस समय भी छुपाया, उस समय भी नहीं कहा। सुदामा को लगा कि ना मांगूंगा, आप ना मांगो तो ठीक है। सुदामा ने आनाकानी की, भगवान ने पोटली खींच ली, उसमें से चावल निकले, बोले मूर्ख मेरी भाभी ने मेरे लिए प्रसाद भेजा, तूने खिलाया नहीं। भगवान ने मुट्ठी भर चावल खा लिए, दो भर मुट्ठी खा लिए। रुक्मणी जी को पता चला कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुक्मणी जी ने बीच में से पोटली चपट ली, बोले भगवान दो लोग तो दे दिए, अब तीसरा लोग कौन खा रहेंगे, ये माया। मशहूरी मेरी
इश्क की कहानी हो गई। मशहूरी मेरी इश्क की कहानी हो गई। मैं दीवानी 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 हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। मैं दीवानी 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 हो गई। सुदामा को भगवान ने बराबर के अपने सुदामा बिठाए। बराबर के अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बार पालो कन्हैया से खेलो। सुदामा गरीब आंगना है। सुदामा गरीब आंगना है। सुदामा गरीब आंगना है। सुदामा गरीब कृष्ण कन्हैया लाल की। बाबा रो मंदिर रामदेव। बाबा रो मंदिर दुर्ग शहर की माँ। अब आपकी तालियों के साथ में गाना चाहता हूं क्योंकि तो बड़ा प्यारा सा दरबार सजा है। दौड़ी दौड़ी रे दौड़ी रे दौड़ी रे दौड़ी 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 रे। एक बार पूरा सदन अपने हाथों को उठा ले बाबा के चरणों में। दोनों हाथों को उठा के रामदेव बाबा रो मंदिर। बाबा रो मंदिर दुर्ग शहर के माँ। दौड़ी दौड़ी रे दौड़ी दौड़ी रे दौड़ी दौड़ी रे धजा करोगे दुर्ग शहर के माँ। दौड़ी दौड़ी रे धड़ी धड़ी रे भजा करू के रे तोरा धरती माँ। रामदेव बाबा रो मंदिर।
सगड़ा ध्यावे रामदेव जीरो साधु संत जगावे जमलो साधु संत जगावे जमलो सारी सारी रा आदि लेने आपकी तालियों के साथ जाना चाहता हूं सभी लोग एक बार धड़ी धड़ी रे धड़ी धड़ी रे धड़ी धड़ी रे भजा रुके रे बाबा जी के धड़ी धड़ी रे भजा रुके रे पूरा धरती भगता को रखवालो बाबो अजमल घर अवतार भगता रो रखवालो बाबो रामदेव अवतारी भगता को रखवालो बाबो अजमल घर अवतारी भगता रो रखवालो बाबो अजमल घरे अवतारी हेलो सुनता हाजरी आवे लीलेरी असवारी हेलो सुनता हाजरी आवे लीलेरी असवारी तीन लोक जस गावे जारो तीन लोक जस गावे जारो नारी जगत सोबा धौड़ी धौड़ी रे धौड़ी धौड़ी रे धौड़ी धौड़ी रे धजा रुके रे धोरा धरती